देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। छत्तीसगढ़ में डेंगू से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। राज्य सरकार ने डेंगू के उपचार में कोताही बरत रहे निजी अस्पतालों पर अब सख्त रुख अपनाया है। हालांकि राज्य सरकार ने डेंगू को महामारी मानने से भी इनकार कर दिया है, वो भी तब जब हजारों लोग इसकी चपेट में हैं और दो दर्जन से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं भिलाई में डेंगू से लगातार हो रही मौतों से दुर्ग जिला प्रशासन भी सख्ते में है। पिछले 15 सालों से छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस की उम्मीदें इस बार दो प्रमुख चुनावी वादों, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी और प्रदेश में बिजली की दरें कम करने पर टिकी हैं। इस बार पार्टी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग चुनावी अभियान बनाए हैं। कांग्रेस अपने ग्रामीण अभियान पर खास ध्यान दे रही है। इसमें किसानों का पूरा कर्ज माफ करने का वादा सबसे अहम है। पार्टी के प्रचार अभियान में रमन सिंह सरकार की नाकामियों को सामने लाने और अपना विजन पेश करने का इरादा है। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट की अहम बैठक राजधानी रायपुर में होने जा रही है। बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में होगी। बैठक में सूबे के राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पिछले 15 सालों से राज्य में सत्ता से दूर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में युवाओं को लुभाने के लिए मैं भी बेरोजगार नाम से अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी बेरोजगारों से नौकरी के लिए आवेदन भरवाने के साथ जरूरतमंद संस्थानों को आवेदन भेजकर बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की कवायद करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल के मुताबिक राज्य में 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख गैर पंजीकृत बेरोजगार हैं, जबकि राज्य की आबादी मात्र 2.5 करोड़ है। छत्तीसगढ़ के गायक और बीजेपी संस्कृति प्रकोष्ठ के गोपाल पांडे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं को मिलाकर अटल एंथम तैयार किया है। इसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया है, जिसे जमकर शेयर किया जा रहा है। प्रदेश में बीजेपी और उससे जुड़े संगठन इस एंथम को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संतोष पांडे के नेतृत्व में ये वीडियो तैयार किया गया है। इसमें अटल जी बहुत याद आएंगे गाना गाया गया है। इस गाने के लेखक संतोष दास हैं। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन की आज की सबसे बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।